सेफ्टिंग टैग बनाते समय ये तीन गलतियां ना करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सेफ्टिंग टैग बनाते समय कौन सी तीन गलतियां से बचना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहली गलती होती है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि कभी भी सेफ्टिंग टैग का जो वॉल होता है वो घर के वॉल से टच नहीं होना चाहिए, उससे प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए। इससे क्या है कि अगर टच में रहेगा तो जो सेफ्टी टैंक में जो वेस्ट वाटर होता है उसका सीलन घर के दीवार पर आ जाता है और दीवार से फिर अंदर आ जाता है, जिससे बहुत ही गंदा वातावरण हो जाता है उस एरिया का। तो इसलिए ये पहली गलती नहीं होनी चाहिए, कभी भी सेफ्टी टैंक का वॉल और घर के वॉल से डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये पहली गलती जो सेफ्टी टैंक बनाते समय नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती आती है कि कभी भी सेफ्टी टैंक बनाते हैं हम तो उसके बीच में एक वॉल होती है जिसे हम बैफल वॉल कहते हैं। तो इस बैफल वॉल में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसमें होल ज़रूर हो। कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होल बनाना भूल जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के लेबर होल नहीं बनाते। तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें जो बैफल वॉल है उसमें होल ज़रूर हो, होल मिड में होता है या थोड़ा नीचे रहता है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि अगर सेफ्टी टैंक आपका बड़े मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए बन रहा है तो उस वक्त ये बैफल वॉल दो होते हैं, तो एक में मिड पर बनता है होल और एक में नीचे बनता है। तो कॉमन घरों में तो एक ही बनता है बैफल वॉल, तो उसके लिए मिड में बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि ये गलती कभी ना हो कि बैफल वॉल में होल देना ही भूल जाएँ। तो हम होल ज़रूर देना होता है, क्योंकि अगर होल नहीं दिया गया तो जो सीवेज है और वेस्ट वाटर है वो एक ही चैम्बर में रुका रह जाता है और फिर चैम्बर से ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर की ओर आने लगेगा जब वेस्ट वाटर, तो गंदगी बहुत फैलेगी, बीमारी भी होंगी और बदबू भी बहुत आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि बैफल वॉल में होल ज़रूर हो। अब तीसरी बात आती है कि अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वेस्ट वाटर का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नली भी नहीं है और ना ही पाइपलाइन को बिछी हुई वेस्ट वाटर के लिए, तो इसके लिए वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर सोक पिट बनाएं, और सोक पिट को हम सेफ्टी टैंक के बगल में बनाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि अगर ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपके यहाँ तो सोक पिट ज़रूर बनाएं। सोक पिट बनाने से यह रहेगा कि आपके सेफ्टी टैंक का जो भी वेस्ट वाटर है वो सोक पिट में चले जाएगा और साथ ही साथ आपके बाथरूम और किचन का भी वेस्ट वाटर सोक पिट में आ जाएगा। तो इससे क्या है कि सब साफ़ सफाई चीज़ें बनी रहेंगी घर में, तो इसलिए सोक पिट दिया जाता है। तो ये तीन गलतियां जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। पहली गलती क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेफ्टी टैंक का वॉल जो है वो घर के वॉल से टच हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। दूसरी गलती कि सेफ्टी टैंक जो है उसमें बैफल वॉल में होल जरूर होना चाहिए। और तीसरी कि अगर ड्रेन सिस्टम नहीं है आपके घर के यहाँ तो सेफ्टी टैंक जरूर बनवाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।